हाय फ्रेंड्स, सबका सुनीता किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, मैं 200 ग्राम चावल ले रखी हूँ खीर का। तो इसे धो लूँगी, सबसे पहले साफ कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल को धो लिए हैं दो पानी से। अब चलते गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैं ये सस्पेन चढ़ा रखे हैं। तो इसमें देखिए 2 चम्मच के करीब मैं घी डाल दे रही हूँ चावल को फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है। तो इसमें चावल डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए चावल डाल दे रही हूँ, भून रही हूँ, चावल भून के बना रही हूँ खीर नए तरीके से। तो ये देखिए इसे सारे चावल को जो साफ करके रखी थी इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए फिर चला ले रहे हैं इसे, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे चावल को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें दूसरी तरफ गैस पे दूध चढ़ा रखे हैं इसे गर्म होने के लिए। ये करीब 2 किलो दूध होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट चावल को फ्राई कर लिए हैं घी में। अब इसमें दूध में डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, दूध पहले से मैं गर्म कर रखी थी। तो इसमें चावल को दूध में डाल दे रही हूँ, सारे चावल को दूध में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चला ले रहे हैं घी को। तो इस पर उबाल आने देते हैं, डबकने देते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए उबल रहा है खीर धीमी आंच में। इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक खीर बन के आधा रेडी हो गया है अभी, लेकिन और होगा अभी 2 मिनट और। इसमें फिर चीनी डालेंगे। तो देखिए चीनी डाल दे रहे हैं मीठा होने के लिए। कम से कम 100-200 ग्राम चीनी डाल दिए हैं। तो इसे चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये घी में भू जाने के चक्कर में देखिए ये लो लो हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है खीर का। अब भैंस का दूध था, ये दूध गाढ़ा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको चला ले रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी और होगा। दूध गाढ़ा कर दिए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा खीर पूरा दम दम कर रहा है। ये देखिए अभी और होगा, थोड़ा बहुत अभी हुआ नहीं है, कम से कम 3 से 4 मिनट और होगा। तो ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये देखिए अभी थोड़ा और होगा, अभी हल्का सा, अभी हुआ नहीं है। ये देखिए अभी उतना नहीं हुआ है। तो ये अभी कम से कम 4 से 5 मिनट अभी और इसे पकने देते हैं धीमी आंच में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बादाम ले रखे हैं 6 से 7। आइए, किशमिश से बड़ा बड़ा किशमिश था तो इसे काट लिए हैं। तो इसमें अब डाल देते हैं खीर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खीर अभी पूरी तरीका से अभी नहीं पका है, अभी थोड़ा और पकेगा। तो आप चाह इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, केसर नहीं डाली हूँ ना फूड कलर डाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पीला येलो येलो कैसे हो गया पीला। तो इसमें मैं दूध को पूरा उबाल रखी थी पहले से ही, यही भैंस का दूध था। तो इसमें आप घी में भूंजे हैं, गाय के घी में। तो ये येलो येलो हो गया है। तो खीर में अब मैं डाल दे रही हूँ बादाम और किशमिश। तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ। तो इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद 3 से 4 मिनट और होने देते हैं। तो फिर इसमें इलायची डालकर उतार लेंगे। आप इसे रक्षाबंधन में भी बनाकर बना सकते हैं त्योहारी के टाइम में। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, खीर लगभग हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गया है। इसमें इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ कूट के, 4 से 5 इलायची पाउडर हरी वाली डाले हैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बन गया पूरी अच्छी तरीक़ा से। तो मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। तो ये देखिए नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, पूरा मलाई की तरह बन गया एकदम पूरा बिल्कुल। तो इसे गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अब सर्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सर्व कर चुकी हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसे बना था खीर। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।